dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so fantastic. And I'm also very cool and I'm also very fine. Dear students, जैसे आप लोगों को पता है कि all time मैं एक different chapters के explanation करता हूँ and that is about different classes, right? आज का भी एक topic बहुत important है और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी हमको कुछ भी चीज़ सीखना है तो हमारा दो पर्पस होता है। एक होता है लर्निंग, यानी एग्ज़ाम के बेस पर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, और दूसरा क्या होता है कि उस टॉपिक से आपको मोरल क्या मिला जो ऑल टाइम्स आपको लाइफ में हेल्पफुल रहे, राइट? सो आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन साथ में ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव भी है। कैसे? आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं दैट इज कॉल्ड एन अर्थ, यानी पृथ्वी। हम इस पृथ्वी में रहते हैं और हमारे इस गैलेक्सी में यानी इस ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं, और इस 9 प्लैनेट्स में से पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम जी सकते हैं, जहाँ पर हम रह सकते हैं। लेकिन एक ग्लोबल वार्मिंग है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 50-60% डिपेंड ऑन ह्यूमन। कहीं ना कहीं हम अपने डिजायर्स के कारण, अपने विशेष के कारण, हम अपने लालच के कारण अपने हाथों से जिस धरती पर रहते हैं, जिस अर्थ पर रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम नुकसान कर रहे हैं। और जिसमें से एक नुकसान जो हम कर रहे हैं, उसमें से एक होता है कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काटना। अब सराउंडिंग देखो, बहुत सी जगह पर पेड़ को हम काट काट के हम वहाँ पर अपना रहने की जगह बना रहे हैं या फिर फर्नीचर बना रहे हैं। कई बार हम जानवर को भी मारते हैं, उससे हम अपनी एंटरटेनमेंट चीज़ें बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, आने वाले टाइम में बहुत भयानक रूप ले सकता है। इवन आप आज भी देख सकते हो, यू कैन फील, यू कैन अंडरस्टैंड कि कई बार मौसम नहीं होते हैं लेकिन बहुत गर्मी भी होती है, और कई बार मौसम नहीं होता लेकिन बहुत बारिश भी होती है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हम रहे और साल अच्छे तरीके से रहे और हमको कोई दिक्कतें ना हो, तो सबसे पहला हमको कटिंग ट्री यानी पेड़ काटना हमको बंद करना पड़ेगा। और आजकल गवर्नमेंट रूल्स भी है कि आप पेड़ नहीं काट सकते, आपको प्लांटेशन करना है, और साथ में आप जानवर को भी नहीं मार सकती। ये गवर्नमेंट रूल्स है, फिर भी कुछ लोग कहीं ना कहीं छुप छुप कर अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए ये काम करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो पोएम है, ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पोएम कॉलेज सिलेबस में है, यानी विक्रम यूनिवर्सिटी में है, जो सेकेंड ईयर है बीए बीकॉम बीएससी में, जो इंग्लिश लिटरेचर में जो सेकेंड ईयर है उसमें ये सिलेबस है। और फर्स्ट पोएम है फ्री, रिटन बाय टीना मॉरिस। सो इस पोएम को और डिटेल में हम देखते हैं कि टीना मॉरिस क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज शी वांट्स टू गिव टू ऑल ऑफ अस। सो विदाउट गेटिंग लेट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर हम सीख लेते हैं, अगर हम समझ लेते हैं, तो ये सिर्फ कोर्स में नहीं, ये हमारे लाइफ में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि मैं हमेशा ही अलग अलग क्लासेस के न्यू टॉपिक लेकर आता हूँ, मैं समझाता हूँ, और वो सभी टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट तो है, साथ साथ हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया से रिलेटेड है, राइट? तो ये जो चैप्टर है जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये चैप्टर विक्रम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, जो सेकेंड ईयर में आता है। और जो चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएससी ऑनर्स साइंस, बीए मैनेजमेंट या बीसीए, किसी भी क्लास में अगर आप हो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, तो आज का जो चैप्टर है वो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये विक्रम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स होता है, राइट? सो आज का जो
आपका जो कोर्स है उस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर है इंग्लिश सिलेबस में, छोटा सी सिलेबस है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ट्री, और ये लिखा है किसने, टीना मोरिस ने। तो देखो ट्री नाम सुनते से हमको पता तो इतना चल गया है कि ये ट्री के बारे में है, राइट। ये पहला पोएम है ट्री के बारे में है, और ट्री हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता है। बट उसके बावजूद भी ट्री की आज भी बहुत सी जगह है जहाँ पे केयर नहीं किया जाता है। तो आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, टीना मोरिस कुछ डिफरेंट मैसेज हमको देना चाह रहे हैं, जो हम इस ट्री से देखेंगे कि क्या ट्री हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो देखो अबाउट द पोएट के बारे में हम जानकारी लेंगे, यानी टीना मोरिस कौन है, टीना मोरिस किस टाइप के इंसान है, उनके स्वभाव कैसा है, वो क्या ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर, यानी इस चैप्टर में इस पोएम में कौन कौन कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं ये हम देखेंगे। फिर हम वोकैबुलरी यानी इस चैप्टर के अंदर मीनिंग्स, उसके बाद सेंट्रल आइडिया यानी इस चैप्टर के अंदर जो मेन लाइन है वो हम इंफॉर्मेशन लेंगे, और फिर समरी जो आपको पता है कि पूरे टॉपिक को शॉर्ट में समझाना, बेहतरीन तरीके से समझाना ताकि सामने वाला समझ जाए। एंड देन आफ्टर मोरल, मोरल मीन्स इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, एंड द लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स। तो इतने सारे चीज़ हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। और जैसे आप सबको पता है कि अबाउट, अगर आपको जीके का, जैसे जीके का नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप अबाउट द पोएट से कर सकते हो। कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, समरी और क्वेश्चन आंसर, इन चार चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो इससे आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो तो वो आपको मोरल से मिलेगा, और अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशंस डेवलप हो तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी है। मतलब इस तरीके से ये सभी चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होंगे, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपका कम्युनिकेशंस डेवलप होंगे, और साथ साथ आपको जीके का भी नॉलेज होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ रटना है और मुझे रटने के अलावा और कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर ले। अगर आप चाहते हो कि मुझे पास भी होना है और मुझे थोड़ी बहुत अपना नॉलेज भी चाहिए, तो आप मोरल भी सीख लो, साथ में अपना कम्युनिकेशन यानी वोकैबुलरी डेवलप करो। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े जब आप किसी से टॉकिंग करो, और जनरल नॉलेज का डेवलपमेंट करना है तो हर लोगों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कम्प्लीटली चॉइस आपका है कि आप कौन सा करना चाहते हो और कौन सा नहीं करना चाहते। बीइंग अ टीचर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ओके। सो हम सबसे पहले अबाउट द पोएट के बारे में देखते हैं। सो ये है अबाउट द पोएट, जो इसमें मैंने कुछ लिखा है, द टीना मोरिस वॉज अ ब्रिटिश पोइटिस्ट इन 20th सेंचुरी। अभी जैसे 21वीं सदी चल रहा है, तो जब 20th सेंचुरी था उस समय के सबसे बेहतरीन पोएट में से, पोइटिस्ट कवि में से एक कवि थे टीना मोरिस। शी वॉज वेरी मच टैलेंटेड वुमेन, वो बहुत टैलेंटेड थी, मतलब उनको लोग इसलिए पसंद करते थे। शी गॉट मैनी अवार्ड्स फॉर आर गुड वर्क, अच्छे कामों के लिए सबको पता है कि हमको कुछ ना कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे वो ट्रॉफी हो, चाहे वो किसी के तारीफ हो, सेटिस्फेक्शन। आप मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। द मोस्ट टाइम शी प्रेफर्ड टू राइट अबाउट सोशल इशूज, ज़्यादातर वो प्रेफर करते थे सोशल इशूज यानी सामाजिक इशू के बारे में, और उनके अधिकतर जो पोएम थे, अधिकतर जो आर्टिकल्स, नॉवेल्स थे, वो ज़्यादातर सोशल यानी सामाजिक के बारे में थे। Here she expressed through her poem about an important social problem, and that is a global warming. इस पोएम में उन्होंने अपने एक मन की भावना एक्सप्रेस किया है, और वो है सोशल प्रॉब्लम, यानी हमारे समाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और आने वाले टाइम में भी होगा, उसके बारे में उन्होंने बताया है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। दुनिया कौन सा है, सबको पता है, अर्थ। This global warming is the tree cutting, और ये जो global warming है बहुत सारे होते हैं global warming, उसमें से एक global warming है tree cutting यानी पेड़ काटना। ये about the poet के बारे में मैंने कुछ बताया कि वो काफ़ी ब्रिटिश पोएट थी 20th सेंचुरी के, काफ़ी टैलेंटेड थी, उनको बहुत सारा अवार्ड्स मिला है, और ज़्यादातर वो किसके ऊपर लिखती थी, सोशल इशू के बारे में।
और ये जो पोएम है यानी ट्री वाला पोएम, उस पोएम में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया और स्पेशली हाईलाइट उन्होंने किसको किया है, ट्री कटिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, ये मेन मीनिंग है जो आपको पोएम में मिलेंगे और ये मैंने सिमिलर मीनिंग दे रखा है। अगर आपको हिंदी में इसके इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप डिक्शनरी से सर्च कर सकते हो, या फिर आपका जो सब्जेक्ट वाइज टीचर है आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर मुझसे भी पूछ लेना, कमेंट या ईमेल कर देना तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये आपके पोएम में मिलेंगे, ये याद करने का पहला बेनिफिट है, आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होगा। और दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा फायदा क्या है कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में कुछ स्टैंजा देते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि आप इसके सिनोनिम्स लिख दें, तो उस समय आप इसके आंसर बहुत इजी वे में दे सकते हो, राइट, एक दो नंबर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये याद कर लेना डियर, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में दो कैरेक्टर प्ले रोल प्ले कर रहे हैं, पहला है ह्यूमन यानी इंसान जो पेड़ काटने का काम करता है, दूसरा है ट्री यानी पेड़। ये दो कैरेक्टर है इसके ऊपर इस पोएम में है, ठीक है। अब आते हैं हम सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, ये काफी हेल्पफुल रहता है, मैं इसको बहुत प्रेफर करता हूँ। ये उस समय काम आता है जैसे सपोज मान लो कि आपकी कोई चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है और आपको कल एग्जाम है, तो आप इजी वे में सेंट्रल आइडिया पढ़ के भी अपने मन से एग्जाम दे सकते हो अगर आपके आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, राइट। तो सेंट्रल आइडिया बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मूवीज के पहले ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर में क्या होता है, स्टार्टिंग और लास्ट और बीच की थोड़ी सी चीज़ बताकर एक दो मिनट के ट्रेलर बता देते हैं, जिससे हमको पूरी कहानी तो पता नहीं चलता है लेकिन कहानी किस टॉपिक पे रहेगा वो हमको पता चल जाता है। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे ठीक वैसा ही रोल प्ले कर रहा है, ये पढ़ के आपको पूरी कहानी पोएम के बारे में पता तो नहीं चलेगा लेकिन इतना जरूर पता चल जाएगा कि ये पोएम किस बारे में है। तो ये हमेशा आपके नॉलेज में होना चाहिए सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो क्या है सेंट्रल आइडिया, तो देखो ट्री इज रिटन बाय टीना मोरिस। ट्री जो लिखा है किसने लिखा है, टीना मोरिस ने लिखा है, और इन दिस पोएम शी वॉन्ट्स टू रियलाइज अस टू कीप सेफ द वर्ल्ड। इस पोएम में वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि कैसे हम दुनिया को सेफ रखें, इसकी एहसास हमको दिलाना चाहते हैं। बिकॉज द वर्ल्ड इज अंडर थ्रेट, क्योंकि दुनिया जो है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। She wants to say, वो कहना चाहती है, if we don't keep present generation safe, अगर हम आज की generation को safe नहीं रखते हैं, then we are inviting the biggest global warning. तो फिर हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी problem को आमंत्रण कर रहे हैं, invite कर रहे हैं, जैसे सुनामी, जैसे भूकंप, जैसे बिन बिन मौसम बारिश, ऐसे गर्मी, अभी आप देख ही रहे हो कैसे कैसे बर्ड फ्लू हो रहा है, उसके बाद कोरोना हुए हैं, तो ऐसे ये सब ग्लोबल वार्निंग है। दिस ग्लोबल वार्निंग इज ट्री ग्लोबल वार्निंग, दिस ग्लोबल वार्निंग इज द अर्थ इज विदाउट ट्री। और ये ग्लोबल वार्निंग क्या है, वैसे आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है कि वो पृथ्वी, वो दुनिया जो बगैर पेड़ के है। और आप सबको पता है एज वी ऑल नो ट्री इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और सबको पता है कि ट्री हमारा जीवन का एक पार्ट है, सो बगैर ट्री के पृथ्वी कभी रह ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है। सो करना क्या चाहिए, सो स्टॉप ट्री कटिंग, पेड़ काटना बंद कर। तो इस सेंट्रल आइडिया में ये है कि ये जो पोएम है ये टीना मोरिस ने लिखा है और वो हमको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो दुनिया है वो मुसीबत में है, हमको उसकी ख्याल रखना चाहिए, और अगर हम उसकी ख्याल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल वार्मिंग को इन्वाइट कर रहे हैं। और वो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा है कि एक दिन ये पृथ्वी बगैर ट्री के हो जाएंगे, और बगैर ट्री के पृथ्वी कभी रह ही नहीं सकता। तो करना क्या चाहिए, बस एक ही रास्ता है कि अपने स्वार्थ के लिए ट्री को काटना बंद करो। अब हम यहाँ पे समरी देखते हैं कि समरी में क्या है, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्री इज रिटन बाय टीना मोरिस, जैसा आप सबको पता है कि टीना मोरिस ने ट्री पोएम लिखा है। इन दिस पोएम शी सेज नो वन एवर टीचेस अस, इस पोएम में वो क्या कहती है कि हमको कभी भी ये नहीं सिखाया
व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, ट्रीज की इम्पोर्टेंट क्या है हमारे जीवन में, व्हाट वुड बी द इफेक्टिवनेस विदाउट ट्रीज ऑफ दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड आवर लाइफ, हमारे जीवन में और इस सुंदर दुनिया में ट्री के बगैर हमारे क्या असर हो सकता है, यानी अगर ट्री नहीं होता है तो इस दुनिया का हमारे जीवन का क्या होगा, शायद हमको पता अंदाजा भी नहीं है। She says, our elder never make us realize the importance of trees. वो कहती है कि हमारे जो बुजुर्ग है उन्होंने कभी भी हमको ये बताया भी नहीं और हमको ये रियलाइज भी नहीं करवाया कि ट्रीज के इम्पोर्टेंस क्या है। She says that it would be very dangerous to survive if there are no trees alive. वो कहती है कि ये बहुत ही डेंजर होगा, बहुत खतरनाक हो सकता है जीना अगर कोई भी ट्री जीवित नहीं रहता है। टीना मोरिस एक्सप्रेसेस वो साथ में ये भी कहती है, इफ देयर विल बी नो ट्री, अगर एक भी ट्री नहीं होगा, देन देयर विल बी नो लीव्स, फिर एक भी पत्ते नहीं बचेंगे, एंड इफ नो लीव्स मीन्स वी कैन नॉट अलाइव, अगर एक पत्ते नहीं बचेंगे मतलब क्या है, हम जी नहीं सकते। क्यों? बिकॉज वी ऑल नो, हम सबको पता है, टू लिव नीड्स ऑक्सीजन, और अगर हमको जीना है तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ द ट्री लीव्स, और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से, ट्री के पत्ते से। तो ट्री के पत्ते अगर नहीं रहेंगे तो हम जियेंगे कैसे, और अगर हम नहीं जियेंगे तो ये दुनिया क्या हो जाएंगे, फिनिश, खत्म। तो ये टीना मोरिस हमको समझाना चाह रहे हैं कि ट्री हमको बचाना बहुत जरूरी है। She says, in spring season, tree is decorated with new leaves. आप सबको पता है कि स्प्रिंग सीजन जो बसंत ऋतु है, तो उस समय पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते पेड़ पर आते हैं। This time, इस समय all trees look very much greenery. और इस समय देखना पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पूरी तरीके से हरियाली दिखते हैं, जैसे एक बरसात के मौसम में और एक स्प्रिंग सीजन में आप देखना चारों तरफ हरियाली दिखते हैं। बरसात के मौसम में क्यों? क्योंकि वो ताजे दिखते हैं, और स्प्रिंग सीजन में क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सीजन नए नए पत्ते आते हैं। एंड द नेचर लुक्स वेरी मच चार्मिंग, मतलब मधुर हो जाते हैं, जिससे लोग मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ऑल अराउंड इज ब्यूटी एंड ब्यूटी, चारों तरफ देखो सिर्फ सुंदर सौंदर्य एंड सौंदर्य, खूबसूरती चारों तरफ रहते हैं। बट इफ देयर आर नो ट्रीज, लेकिन अगर कोई ट्रीज ही नहीं बचा, इफ यू डोंट केयर ट्रीज, अगर हम ट्री की केयर ही नहीं करते, देन द ट्री विल बी डाई, फिर ट्री क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दैट टाइम द नेचर इज टर्न इंटू वेरी डल, नॉट वेरी शाइनी, और उस समय ये जो प्राकृतिक है, ये जो प्रकृति है, वो क्या बन जाएंगे, एक नॉर्मल बन जाएंगे, जो लोगों को लुभाएंगे नहीं, जिसमें कोई शाइनिंग नहीं रहेंगे, डल हो जाएंगे, भद्दा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया का सबसे पहला ब्यूटी नेचर ही है। और कहा जाता है इस कोरोना टाइम में जब ये 3 से 4 महीने लॉकडाउन था, तो उस समय कितने पॉल्यूशंस बंद था, यानी हिमालय की चोटी दिख रहा था, बड़े बड़े जो बिल्डिंग था वो दिख रहा था, जबकि सब साइंस कह रहा था, जो रिसर्च कहते थे कि नॉर्मल डे में वो दिखता ही नहीं है। तो क्यों नहीं दिखता था, क्योंकि पॉल्यूशंस इतना ज़्यादा था। लेकिन जब 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, तो उसमें पॉल्यूशंस था नहीं, गाड़ी बंद था, कारखाने बंद था, तो प्रकृति एक नया रूप लिया था, ठीक है। Then after Tina Morris says that one side we are cutting trees for fulfilling our desire and another side we are campaigning to plant a tree. Tina Morris क्या कह रहे हैं कि एक तरफ हम अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ट्री को काटते हैं और दूसरी तरफ हम कैंपेनिंग करते हैं कि प्लांट करो ट्री, ट्री लगाओ, पौधे लगाओ। We would spend in hygienic nature, but we never stop to cut a tree. हम नेचर को हाइजीनिक बनाना चाहते, स्वस्थ बनाना चाहते, अच्छा बनाना चाहते, लेकिन हम कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि ट्री को ही मत काटो ना, अगर ट्री को नहीं काटेंगे तो हाइजीनिक ही रहेगा। यानी एक तरफ हम अपने डिजायर्स को लिए ट्री काट रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि प्लांट करो प्लांट करो। अगर हम उस ट्री काटने वालों को ही बंद कर देते हैं तो हमको कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं वो, सी रिक्वेस्ट अस टू स्टॉप दिस टू डू नॉनसेंस,
अबाउट कैंपेनिंग, वो क्या कह रहे हैं, ये जो कैंपेनिंग कर रहे हैं ना, ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब नॉनसेंस है, बिकॉज ही सेज स्टॉपिंग ट्री कटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कैंपेनिंग टू प्लांट अ ट्री। वो क्या कह रहे हैं, अगर ट्री काटना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर कैंपेनिंग टू प्लांट अ ट्री। क्यों? सी सेज इफ यू डोंट कट अ ट्री देन वी नीड नॉट डू अ कैंपेनिंग फॉर प्लांटेशन। वो कह रहे कि अगर हम ट्री काटेंगे नहीं तो हमको प्लांटेशन कैंपेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको प्लांटेशन कैंपेनिंग तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम ट्री काटेंगे। तो टीना मोरिस कहना चाह रहे हैं कि आप ट्री काटो ही मत, मतलब वो ठीक उसी प्रकार मैसेज दे रहे हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि गलत काम करो ही मत, तो आपको सॉरी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप गलती भी कर रहे हो, सॉरी भी बोल रहे हो, तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है, मज़ा क्या है? तो ट्रीना मोरिस ये कहना चाह रहे हैं कि आप ट्री मत काटो, तो फिर कैंपेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक तरफ ट्री काट रहे हो, दूसरी तरफ कैंपेनिंग कर रहे हो, तो ये कहाँ का मतलब कहाँ का इम्पोर्टेंट काम है? तो ये सब क्या है, एक नॉनसेंस है, बेवकूफ़ी है, समय की बर्बादी है। आवर नेचर विल बी परफेक्ट, हमारा नेचर परफेक्ट हो जाएंगे, देयर विल बी नो रबिश ओनली हाइजीनिक, किसी भी प्रकार के कोई खराबी नहीं होंगे, कोई गंदगी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेंगे अगर हम ट्री काटना बंद करें। ठीक है, पोइट सेज दैट देयर इज ए प्रोवर्ब, पोइट कहते हैं एक कहावत है, बेगर हैज नो अदर चॉइस, जिसके पास कोई चॉइस नहीं होता है ना, वो कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे भिखारी के पास कोई चॉइस नहीं हो तो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। इट मीन्स दैट व्हेन देयर विल बी नो ट्री, जब कोई ट्री नहीं होंगे, दैट टाइम वी ट्राई टू फुलफिल आवर विशेस कीपिंग एन आर्टिफिशियल ट्री एट आवर होम। वो क्या कह रहे हैं कि हम तो ट्री काट रहे हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, और जब ट्री नहीं बचेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने विशेष को पूरा करने के लिए, दिखावा करने के लिए, हम घर पे आर्टिफिशियल यानी प्लास्टिक के ट्री लगा के रखें। व्हेन एयर ब्लोस, जब हवा बहेगी, दैट टाइम दिस आर्टिफिशियल ट्री मूव्स एंड गिव्स अस एयर, जब हवा चलेगी तो उस समय इसी आर्टिफिशियल ट्री हिलेंगे और उससे क्या मिलेगा, हमको हवा मिलेगा। वी फुलफिल आवर सेटिस्फेक्शन बाय दिस, उस समय हम इसी से अपना संतुष्टि पूरा करेंगे। बट वाई डू वी डिपेंड ऑन एन आर्टिफिशियल ट्री लीनिंग अपन द वॉल, पर टीना मोरिस हमसे पूछ रहे हैं कि पर हम ऐसा क्यों करें, क्यों ऐसा आर्टिफिशियल ट्री हम घर के दीवार के ऊपर लगा के रखें। पोएट कह रहे हैं कि इट इज कंप्लीटली वर्थलेस टू बी हैप्पी सीइंग एन आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वो कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली किसी काम का ही नहीं है खुश रहना एक प्लास्टिक की फूल को देखकर। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एक प्लास्टिक की फ्लावर्स और एक रियल फ्लावर में बहुत डिफरेंट है। वी थिंक, हम सोच सकते हैं और विश कामना भी कर सकते हैं, इट वुड बी रियल, ये रियल हो सकता है, बट दिस टाइम विल कम सून इन आवर लाइफ इफ यू डोंट कीप सेफ अ रियल ट्री, इफ यू डोंट स्टॉप कटिंग ट्री। लेकिन ऐसा रियल हो सकता है, ये जो प्लास्टिक वाला चीज़ है ऐसा हो सकता है और ये हमारे जीवन में जल्दी आ जाएगा अगर हम ट्री काटना बंद नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दिन हमारे सामने ऐसे ही मतलब समय आएगा कि जब हमारे पास कोई ट्री बचेगा नहीं और हम अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्लास्टिक ट्री खरीद। और लास्ट मोमेंट में पोएट क्या कह रहे हैं, टीना मोरिस का कहना चाहते हैं, वो हमको एक मैसेज देना चाहते हैं, रैदर वी ट्राई टू डू लॉट ऑफ, हम कितने भी कोशिश कर ले, बट अ डेड ट्री कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, लेकिन एक ट्री जो ख़त्म हो जाते हैं उसको वापस से जिंदा नहीं कर सकते। सो क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक एन एक्शन बिफोर फिनिश दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ये दुनिया ख़त्म हो उसके पहले हमको एक एक्शन लेना चाहिए। We should know very well, no tree, no life. हम सबको पता है, आज पता होना भी चाहिए कि ट्री नहीं है तो जीवन नहीं है। So, करना क्या चाहिए? Last, so please plant a tree and stop to cut a tree. So, last में वो क्या कह रहे हैं? आप सबसे अनुरोध है कि ट्री लगाओ और साथ साथ ट्री काटना भी बंद करो। आप एक तरफ ट्री काटेंगे या दूसरी तरफ प्लांट लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है।
तो डियर, ये था टीना मोरिस के एक ब्यूटीफुल पोएम जिसमें हमने ये समरी देखा और सेंट्रल आइडिया भी देखा। अब मेरी तरफ से एक ब्यूटीफुल मोरल है जो आप लोग इसको पर्सनालिटी में भी यूज़ कर सकते हो। क्या हमको सीखने को मिला? मोरल ये है, ट्री हैज़ लाइफ, फीलिंग, सेंसेशन, इमोशंस लाइक अस। मतलब पेड़ों में भी जीवन है, अनुभव है, सेंसेशन है, इमोशंस है, भावना है, बिल्कुल हमारे जैसे जैसे कि इंसान में होते हैं। तो ट्री को कभी काटना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा प्लीज स्टॉप कटिंग ए ट्री फॉर सेल्फ डिजायर। खुद के ख्वाहिशों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ में भी भावना होते हैं, जीवन होते हैं, इमोशंस होते हैं। आपको पता है कि पेड़ में से जब हम पत्ते को फूल को तोड़ते हैं, उसके मम्मी बहुत रोते हैं, यानी पेड़ बहुत रोते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक माँ से बच्चों को अलग करना, पर हम ये चीज़ महसूस नहीं कर पाते, पर हम ये है, रियलिटी है। आप जब एक पेड़ में से फूल को उतार लेते हैं, तोड़ लेते हैं, फल को उतार लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, वो उसके माँ भी रोते हैं। या फिर जब एक पेड़ को काटा जाता है, उसके कमजोर कमजोर डाल को काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान के हाथ को काटने की पैर को काटने के बराबर है। इसलिए पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए, उसको एक बिल्कुल अपने जैसे शरीर है ऐसा उनको फील करना चाहिए आप लोगों को। सो माई डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं तक एंडिंग है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको गूगल में से मिल जाएंगे, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ट्री रिटन बाई टीना मोरिस। एंड फिर नेक्स्ट टाइम एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, एंड आप इसको समझो और लोगों तक समझाओ। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड सी एस एम आई टीयर। टेक केयर, इन्जॉय योर सेल्फ।